निर्माण से जुड़े सभी महानुभावों के प्रति कृतज्ञता भी व्यक्त करता हूं और उन सभी को शीश झुकाकर नमन करता हूं। अध्यक्ष महोदय, हमारा संविधान सार्वभौम है, हमारा संविधान सर्वसक्षम है। हमारे संविधान की सार्वभौमिकता और सर्वसक्षमता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है, जहां एक ओर हमारा संविधान स्टेट यानी राज्य की जिम्मेदारियों को विस्तृत रूप से सूचीबद्ध करता है, वहीं नागरिकों को उनके संवैधानिक और मौलिक अधिकार भी प्रदान करता है। अगर एक लाइन में मुझे कहना हो तो मैं कह सकता हूं कि हमारा संविधान सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक जीवन के सभी पहलुओं को छूते हुए राष्ट्र निर्माण का यह मार्ग प्रशस्त करता है। अध्यक्ष महोदय, साथ ही लोगों के लिए मॉरल ट्रेजेक्टरी यानी नैतिक मार्ग भी बनाता है। इसी प्रकार हमारा संविधान जहां एक ओर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म सुनिश्चित करता है, वही राष्ट्र की एकता को सुनिश्चित करने पर भी बल देता है। हमारा संविधान लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी को नागरिकों के हितों के लिए मिलजुल कर काम करने की शक्ति भी प्रदान करता है। साथ ही चेक्स एंड बैलेंसेस का भी सिस्टम यह संविधान प्रदान करता है, जिसे सभी संस्थाएं अपने संवैधानिक दायरे में रहकर वह काम कर सकें। अध्यक्ष महोदय, भारत का संविधान सिर्फ एक शासन प्रणाली स्थापित करने का ही कार्य नहीं करता है, बल्कि भारत के गौरव को पुनर्स्थापित करने का यह एक रोड मैप है। अध्यक्ष महोदय, और साथ ही यह भारत को विश्व पटल पर सही स्थान दिलाने का रोड मैप है। भारत को पुनः एक आदर्श राष्ट्र बनाने का भी अध्यक्ष महोदय रोड मैप है, और यह रोड मैप है विकास का, रोड मैप है समता का, रोड मैप है न्याय का, रोड मैप है स्वतंत्रता का, बंधुता का, राष्ट्र की एकता और अखंडता को अक्षुण रखने का। यह रोड मैप है नागरिकों की गरिमा सुनिश्चित करने का। अध्यक्ष महोदय, कुछ लोगों द्वारा हमारे संविधान को कॉलोनियल रूल यानी उपनिवेशवाद का उपहार मान लिया जाता है, या अक्सर हमारे संविधान को पश्चिमी देशों के संविधान से ली गई अच्छी बातों का एक संकलन मात्र मान लिया जाता है। अध्यक्ष महोदय, पिछले कुछ वर्षों में देश में एक ऐसा माहौल बनाने का प्रयास किया गया है कि संविधान एक पार्टी की विशेष देन है। इन सभी बातों में डेप्थ एंड ब्रेथ मैं मानता हूं कि दोनों की कमी है। अध्यक्ष महोदय, संविधान निर्माण में बहुत से लोगों की भूमिका को जानबूझकर नकार दिया गया है, जबकि सच्चाई यह है कि हमारा संविधान हमारी सिविलाइजेशनल वैल्यूज यानी सभ्यता एवं सांस्कृतिक मूल्यों का एक एक्सप्रेशन है। अध्यक्ष महोदय, हमारा संविधान स्वाधीनता संग्राम के हवन कुंड से निकला हुआ यह अमृत है। हमारा संविधान स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग से सिंचित यह हमारा स्वाभिमान है। यह एक सीरीज ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स का आउटकम है। स्वतंत्र भारत का संविधान कैसा होगा, इस बात पर स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कई संस्थाओं और विभूतियों ने अपने विचार प्रस्तुत किए थे, जिनमें से बहुत से लोग संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, लेकिन उनके विचारों ने भारत के संविधान के निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और बहुत बड़ा उनका योगदान है। हमें याद रखना चाहिए कि पंडित मदन मोहन मालिया, लाजपत राय, सरदार भगत सिंह, वीर सावरकर और ऐसे कई महापुरुषों के विचारों ने हमारे संविधान की भावना को मजबूत और समृद्ध किया है। अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रेरणा स्रोत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का मानना था कि संविधान कलेक्टिव इफर्ट और कंसेंसस का रिजल्ट होना चाहिए। मैं फिर से दोहराना चाहता हूं, हमारे प्रेरणा स्रोत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का यह मानना था कि संविधान कलेक्टिव इफर्ट और कंसेंसस का रिजल्ट होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, हमारा संविधान इसी सामूहिक प्रयास और समझ का नतीजा। हमारे संविधान के लिखे जाने से 6 साल पहले
यानी 1944 में लिखे गए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द हिंदुस्तान फ्री स्टेट नाम के दस्तावेज में कई बड़े नेताओं ने संविधान के बारे में अपने विचार दिए थे। इसमें सभी नागरिकों के लिए धार्मिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करने की बात कही गई थी। इस बात का उल्लेख एक इमिनेंट जूरिस्ट श्री अर्घसेन गुप्ता ने भी किया है। अध्यक्ष महोदय, उस दस्तावेज में प्रत्येक नागरिक को अपनी संस्कृति और भाषा की रक्षा करने का भी अधिकार दिया गया था। सरकार को रिलीजन के आधार पर भेदभाव करने से स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित किया गया था। सार्वजनिक अनुदान प्राप्त करने वाले स्कूलों को रिलीजियस एजुकेशन देने की मनाही थी और यह भी स्पष्ट किया गया था कि स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होगा, यानी वह सेकुलर होगा। और यह बात वे लोग कह रहे थे जिन्हें हमारे सामने बैठे कुछ लोगों के दल कांग्रेस के लोग कम्युनल कहा करते थे, यह बात उन लोगों ने कही थी। अध्यक्ष महोदय, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द हिंदुस्तान फ्री स्टेट से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बेहद प्रभावित थे। और अगर हम संविधान सभा की बहस को ध्यान से पढ़ें तो पता चलता है कि उन्होंने राष्ट्रीय एकता के लिए और अलगाववादी प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाने के लिए एक मजबूत संघ यानी स्ट्रांग यूनियन की आवश्यकता पर विशेष बल दिया था। और स्वतंत्रता और समानता के सिद्धांतों पर आधारित एक गणतांत्रिक संविधान की डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी ने वकालत भी की थी। हमारे वर्तमान संविधान में भी इन्हीं मूल्यों को अध्यक्ष महोदय प्राथमिकता दी गई है, मगर इस बात का कहीं उल्लेख नहीं मिलता है। एक पार्टी विशेष द्वारा संविधान निर्माण के कार्य को हाईजैक और एप्रोप्रिएट करने की कोशिश हमेशा से की गई है। भारत में कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग से जुड़ी ये सब बातें लोगों से छिपाई गई हैं। इतिहास में जाने पर पता चलता है कि हमारे देश में इस बात पर व्यापक सहमत थी कि भारत का भविष्य किस तरह के कानून से निर्धारित हो। मैं आज यह स्पष्ट करना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि हमारा संविधान किसी एक पार्टी की देन नहीं है। भारत का संविधान भारत के लोगों के द्वारा भारत के विचारों के साथ भारत के मूल्यों के अनुरूप बनाया गया एक अनपैरेलल्ड ट्रांसफॉर्मेटिव यह डॉक्यूमेंट है।